राहुल गांधी व प्रियंका गांधी परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दिया। अमरोहा में भी कांग्रेस कार्यकर्ता हाईवे जाम करने के लिए जा रहे थे, तभी कलेक्ट्रेट के सामने देहात पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और सभी को थाने ले गई है। सारे मामले में पुलिस ने बताते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे 18 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लल्लू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए आज जो यहाँ गिरफ्तारी हुई है क्या प्रॉब्लम? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, हाथरस में जो दलित की बेटी के साथ घटना घटित हुई है, वहाँ पर उनके परिजनों से मिलने, उनका दुख बांटने हाथरस जा रहे थे। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से जबरन यमुना एक्सप्रेस पर उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया और नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। हम उसकी निंदा करते हैं और आज उसी के विरोध में हम जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के लोग, अमरोहा के लोग, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फैजान अमरानी साहब, डॉक्टर कमलेश जी, टीटू साहब, सचिन चौधरी, परवेज जी, जीशान साहब और तमाम लोग, हम लोग चक्का जाम करने चोया हाईवे पर जा रहे थे, परंतु योगी जी की पुलिस ने जबरदस्ती हम लोगों को कलेक्ट्रेट पर से गिरफ्तार करके और थाना अमरोहा देहात में हिरासत में बैठा रखा है। हिटलर शाही और तानाशाही की आज उत्तर प्रदेश में हद हो गई है। पूरी तरह से लोकतंत्र का राज खत्म हो गया है, खुली गुंडागर्दी चल रही है। और जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कांग्रेस के आंदोलनों से घबराते और डरते हैं तो पुलिस को आगे करने का काम करते हैं। प्रशासन पूरी तरह से सरकार की कठपुतली बन चुका है, उनके इशारे पे काम कर रहा है। आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जुल्म के खिलाफ, हिटलर शाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर खड़ा है और आंदोलन कर रहा है। यूपी की सरकार, योगी जी की सरकार या योगी जी की पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। एक एक कार्यकर्ता गरीब की, मजलूम की, किसान की, मजदूर की आवाज को बुलंद करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद टिटू भाई। आज जो आपकी गिरफ्तारी हुई है क्या प्रॉब्लम? हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी और प्रदेश के हमारे जुझारू अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी, आज हाथरस की बेटी, दलित की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ वो पूरे देश ने देखा। उनका हाल जानने के लिए, उनकी परेशानी में, उनके दुख में शामिल होने के लिए हाथरस जाना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार की दमनकारी नीति, योगी सरकार की जबराना जो नीति चल रही है उसके नाते उन्हें रोक लिया गया और पुलिस का जो बल उनके साथ है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी चल रहे हैं सरकारी, उनकी तमाम की ताकत अपनाते हुए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बर्बरतापूर्व पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की करते हुए रोका गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसी उसमें हम इसके विरोध में आज हाईवे जाम करने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ जब निकले तो हमें भी, हमारे साथ भी वही हुआ जिसका हमें आभास भी था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस जन, जो भी कांग्रेस की भावना या इस देश के प्रेम भावना या इस देश के कानून में आस्था रखता है या इस देश की संस्कृति
जो दुख सुख में शामिल होने की संस्कृति है उसमें आस्था रखता है वो इसका विरोध करेगा। हर सूरत में हम इनके किसी जुल्म के, इनकी जाति के, इनकी दमनकारी नीति के खिलाफ जो है अडिंग है और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, अमरोहा पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर क्या कहेंगे, ये क्या कार्रवाई है जी? अमरोहा पुलिस उससे अछूती नहीं है। अमरोहा पुलिस अपने आप तो अपने मन पे हाथ रख के अगर कहे तो हमारे साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करेगी और ये कार्रवाई भी नहीं करेगी, लेकिन मजबूर है, एक सिस्टम है, सिस्टम के आगे हर आदमी लाचार होता है, वो भी लाचार है, बेबस है, परेशान वो भी है। मैंने कहा ना, भारत का एक नागरिक, एक बच्चा, एक बड़ा, एक युवा, एक जवान, पुलिस और प्रशासन जो भी है, पूरा देश त्रस्त है इनकी नीतियों से। और वो अब सामने आ रही है, कहीं किसान परेशान, कहीं कर्मचारी परेशान, कहीं पुलिस वाले परेशान। पुलिस वालों के साथ अन्याय नहीं हुआ था क्या? तो अभी यही कांग्रेसी कण सामने आए थे, दूसरे नहीं थे कोई। हम आज भी हर अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं।